हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ मीठा पराठा या चीनी शक्कर के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये बच्चों का फेवरेट होता है। मीठा पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी आटा, घी लिया है मैंने 5 चम्मच और 3 चम्मच शुगर ली है, शक्कर और पानी। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा घी 2 चम्मच के करीब आटे में मिक्स करेंगे और अब आटा लगाऊंगी, आटे को गूंद लेंगे। आप यह पराठा नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं, जो हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस आटे से भी बना सकते हैं। और अब मैं पानी मिला के आटा लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे हम, जिससे कि आटा अच्छा सॉफ्ट लगे और ज़्यादा गीला नहीं हो। इस तरह से देखिए, इस तरह से अब हम हथेली के पीछे साइड से आटे को अच्छी तरह से मस लेंगे, जिससे अच्छी तरह से वो गूथे। और हमने आटे को लगा लिया है और अब इसको हम ढक 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, आटा फूल के सेट हो गया है और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो हम एक लोई निकाल लेते हैं पहले। ये आधा आटा हमने ले लिया है और अब मैं थोड़ा सा घी आटे में लगाऊंगी। और इसको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे इस तरह हथेलियों से, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। और अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी लोई चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक लोई ली है और इसको इस तरह से हम गोल करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी मैं और इसको इस तरह से गोल करके कटोरी की जैसे बना लेंगे, टोकरी की तरह। अब इसमें भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरह से और इसको इस तरह से हथेलियों में लेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच जितनी बड़ी आपकी लोई हो उतना आप शुगर रखें इसमें। और इस तरह से इसको पैक करेंगे हम, इसकी पोटली बनाकर। इस तरह से आटे की लोई को हमने सेट कर लिया। इसका पराठा बेलेंगे, हमें हल्के हाथों से बेलना है जिससे कि पराठा फटे नहीं। और धीरे धीरे हम बना लेंगे पराठे को गोल। देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से बिल जाता है। मैं दूसरा पराठा भी आपको बना के बताती हूँ। ये हमने इस तरह से टोकरी जैसे बनाया, थोड़ा सा घी लगाएंगे लोई के अंदर और अब इसमें हम शक्कर भरेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा शक्कर नहीं भरें, नहीं तो पराठा फटने लगेगा। और इसको इस तरह से पोटली सी बना के हम लोई बना लेंगे। और अब इसमें मैं थोड़ा सूखा आटा लगाऊंगी और हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको हम बेलेंगे। बहुत ही आसानी से बेल जाता है। ये देखिए, इस तरह से और अब हमने गर्म तवे में पराठे को डाल दिया है, एक साइड से सेका हमने और इसमें अब हम घी लगा देंगे और हल्के हल्के से दबाएंगे, जिससे कि पराठे नीचे साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाए। इस तरह से देखिए, और मीडियम आंच में हम पराठे को सेकेंगे। हम पराठे को पलटेंगे और इस साइड भी हम घी लगा देंगे और धीरे धीरे इसके अंदर की चीनी भी मेल्ट होने लगेगी। दोनों साइड से पराठे को हम इसी तरह से पराठे को पलट पलट के सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सिका हमारा पराठा।
हमारा पराठा सिक गया है, हम इसको अलग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम सेकेंगे। पराठे को पलट लेंगे और घी लगा देंगे इसमें। पीछे की साइड पलट के उस साइड से भी हम सेकेंगे घी लगा के। आप ये पराठा घी से ही सेके, उससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है पराठे को। ये देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा पराठा सिका है। हमारे शक्कर के मीठे पराठे बनकर तैयार हैं और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी और सॉफ्ट बने हुए हैं। आप अपने घर में ये बच्चों के लिए रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।